सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति और ये नजर डालते हैं आज की ताजा गतिविधियों पर। दिव्यांगों की शिकायतों के निपटारे के लिए हुआ शिविर का आयोजन। रेलवे लाइन पर मिला व्यक्ति का कटा हुआ शव। सागर रत्ना में हुआ डिजाइन एग्जीबिशन का आयोजन। लक्कड़ से भरी ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर। जिला बार एसोसिएशन के हुए चुनाव संपन्न। और अब गतिविधियां विस्तार से। दिव्यांगों की शिकायतों के निपटारे के लिए हुआ शिविर का आयोजन। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा पंचकुला के आयुक्त दिनेश शास्त्री ने दिव्यांगजनों की शिकायतों का निपटारा करने बारे शिविर का आयोजन किया। आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगों की हर समस्या का हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना चलाई है, जिसका उद्देश्य यह है कि लाइन के लास्ट व्यक्ति को भी लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही यमुनानगर में जॉब फेयर लगाएंगे, जिसमें प्राइवेट उद्योग व सरकार की तरफ से आउटसोर्सिंग के माध्यम से दिव्यांगों को लाभ मिल सके। दिनेश शास्त्री ने बताया कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना, स्कूल ना जा सकने वाले मंदबुद्धि एवं निःशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इत्यादि लाभकारी योजनाएं चलाई हैं। अश्वनी मदान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 36 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें इन दिव्यांगों ने आयुक्त पंचकुला को अपनी समस्याओं के विषय में आवेदन दिया है। रेलवे लाइन पर मिला व्यक्ति का कटा हुआ शव। पत्नी और बच्चों के साथ अमृतसर जाने के लिए निकला था युवक। यमुनानगर के गांव उनहेड़ी का रहने वाला राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर ससुराल के लिए घर से निकला था। घर से कुछ ही दूर गया कि पीछे से कुछ लोग उसका पीछा करने लगे, जिस पर पहले तो उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और बाद में उसकी पत्नी का गला दबाने की कोशिश की, जिसके बाद मोटरसाइकिल समेत उसकी पत्नी और बच्चे सड़क के साथ बनी खाई में गिर गए। होश आने पर जब पत्नी अपने पति को ढूंढने लगी तो बाद में सूचना मिली कि उसके पति का शव गर्दन कटी हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। वहीं मामले की जांच कर रहे जीआरपी पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि यह गांधीनगर फाटक के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसकी मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पता चला कि वह राजेश नामक युवक है,
जब पुलिस ने उसके परिवार को सूचना दी तो उन्होंने बताया कि उसका मर्डर कर यहाँ पर फेंका गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पत्नी के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम कराने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई करने की बात कर रही है। उसके बाद वे एक दो आदमी मैंने बुलाया जाओ मुझे सोती सी रुक जाओ भैया रुक जाओ भैया। मुश्किल से तो मैं ऊपर चढ़ी क्योंकि नीचे बहुत गहरा है। गुड़िया को लेकर नीचे चढ़ी एक को मैंने अपनी चुन्नी देकर ऊपर चढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया रुक जाओ कहीं नहीं रुका। दो आदमी सैर कर रहे थे वो आए आए भी पास नहीं। वो पूछ रहे क्या हो गया। मैंने कहा मेरी बात तो सुन लो पागल नहीं हूँ मैं चली नहीं हूँ मैं आप मेरी बात सुन लो। काफ़ी देर बाद वो मेरे पास आए कहते क्या हुआ। मैं क्या देखो हमारी मोटरसाइकिल नीचे गिर रखी मेरे हस्बैंड का पता नहीं है कहाँ है बच्चे मेरे साथ हैं मेरे दोनों मेरे लोही और चुन्नी मेरी कहीं और पड़ी है या तो आप मेरे को उठा के दे दो। मैंने ठंड लग रही थी उन्हें अपने कपड़े भी मैंने नहीं दिए ऊपर लेने वास्ते। फिर उन्होंने पुलिस में फ़ोन किया लेकिन कोई नहीं। तो आपके पति यहाँ कैसे पहुँचे। हमें पता ही नहीं कैसे पहुँचे। तो क्या है आपको शक क्या है। मैं तो वही कहती हूँ भैया एक आदमी था जिसने मेरे को लुटा और इसको लुटा के लेके आई। कौन था वो आदमी पता नहीं कौन था देख नहीं पाई। उन्होंने मिट्टी आंखों में डाल दी थी मेरी। तो क्या हत्या की है किसी ने। हत्या की है किसी ने खुद नहीं ऐसा काम कर सकते। आज सवेरे रेलवे की तरफ से एक मेमो मिली थी कि जगाधरी वर्कशॉप और यमुनानगर के बीच में एक लड़के की लाश पड़ी है। जब मौके पर जाकर देखा तो पहचान में वहाँ परिजन मिले हैं जिन्होंने राजेश नाम की उन्हें पहचान की है और इस लड़के ने किसी चलती रेलगाड़ी से आत्महत्या की नज़र आती है। परिजनों से पूछताछ चल रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला तो अभी हत्या का इसका तो नज़र नहीं आ रहा आत्महत्या का तो नज़र आ रहा है लेकिन फिर भी पूछताछ इनसे जारी है। जैसे भी हर पहलू से पूछताछ की जाएगी जो भी सामने आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। मृतक की पहचान राजेश निवासी उन्हेड़ी थाना जठलाना जिला यमुनानगर के रूप में परिजनों ने की है जिनकी जो लाश के मतलब कार्रवाई 174 के खिलाफ चल रही है पोस्टमार्टम करा के लाश को परिजनों के हवाले किया जाएगा। सागर रत्ना में हुआ डिजाइनर एग्जीबिशन का आयोजन। महिलाओं के लिए नई समर ड्रेसेस कलेक्शन की गई प्रस्तुत। शहर के सागर रत्ना रेस्टोरेंट में डिजाइनर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। यह एग्जीबिशन समर सीजन के डिजाइनर कलेक्शन को प्रस्तुत करने के लिए किया गया। प्रदर्शनी में महिलाओं के लिए गाउन्स डिजाइनर सूट साड़ी लहंगास शरारा ड्रेसेस कुर्ती शॉर्ट टॉप इत्यादि की एग्जीबिशन की गई। यह कार्यक्रम मिसेस हरियाणा आयवा मिसेस इंडिया 2017 निशा राव द्वारा गुड़गांव के जाने माने डिजाइनर निधि सिंह के साथ मिलकर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आने वाले समर सीजन ट्रेंड्स के बारे में अवगत करना रहा।
मेरा मुझे बहुत टाइम से था कि मैंने यमुनानगर में अपनी कलेक्शन लेकर आनी है. डिज़ाइनिंग मेरा एक पैशन है, ये काम मेरा एक पैशन है. तो यहाँ मेरे एक एग्जीबिशन रखने का ये मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक डिफरेंट कलेक्शन पहने मेरी नारी मार्केट में. हर रेंज की है यहाँ पे आपका 1500 से लेके और 12000 तक मैंने एक रेंज रखी है ताकि ईजिली सबके लिए अवेलेबल हो. ज़्यादा कॉटन प्रेफर कर रहे हैं, बट मेरा मोटिव ये है कि मैं यमुनानगर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी डिज़ाइनर कलेक्शन पहनाऊँ ताकि उनको लगे कि हाँ एक टेस्ट थोड़ा सा लगना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा यमुनानगर से अलग है. अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे यमुनानगर का. थैंक्स टू ऑल पीपल, आई एम रियली ब्लेस्ड. यमुनानगर में नहीं थम रहा सड़क हादसों का कहर. लक्कड़ से भरी ट्रॉली को ट्रक ने मारी टक्कर. शहर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन किसी न किसी रोड पर एक्सीडेंट्स के मामले सामने आ रहे हैं. ताज़ा मामला खजूरी रोड का है जहां लक्कड़ से भरी एक ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में ट्रॉली चालक बुरी तरह से घायल हो गया. साथ ही ट्रॉली में भरी लक्कड़ पूरी सड़क पर फैल गई जिसके चलते राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. फिलहाल घायल चालक को इलाज के लिए यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. हमारा साथी है, जानकारी में मिलने जुलने वाला है. ये रात को चला, 11-12 बजे के करीब चला. अच्छा, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इसका फोन आया, पता लगा तो हम यहाँ आए. मौके पर नहीं आया, हॉस्पिटल आया. दोनों को चोटें लगी हैं? चोटें लगी हैं. तो सरकारी हॉस्पिटल में? सिविल हॉस्पिटल में आई है. ये लगभग 4-5 बजे के आसपास, सुबह 4-5 बजे खबर गई जी. लगभग 6-6:30 बजे, 6:30 स्कैन हो रहा है, दिमाग में चोट है दोनों ही. जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हुए सम्पन्न. 12 उम्मीदवारों के बीच हुआ चुनावी मुकाबला. आज जिला बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए. चुनाव में 3 अलग अलग पदों के लिए कुल 12 कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला हुआ. प्रेसिडेंट के पद के लिए 6 उम्मीदवार, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 3 और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए 3 उम्मीदवारों के बीच चुनाव किए गए. वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के लिए नितिन शर्मा और ट्रेजरर के पद के लिए मिस शिवानी को बिना किसी विपक्ष के इलेक्ट किया गया. 322 गौरव भारद्वाज. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और ट्रेजर के लिए 5 पोस्टों के लिए इलेक्शन होता है जिसके अंदर 2 पोस्टें निर्विरोध चुनी गई हैं. एक तो ट्रेजरर है मिस शिवानी है और एक जॉइंट सेक्रेटरी है नितिन शर्मा. वो 26 को डिक्लेयर हो चुकी है. और प्रेसिडेंट के लिए 6 कैंडिडेट हैं, बलिंदर पाल डांडा, बलिंदर सैनी, दीपचंद सिंगला, दिनेश सिंह चौहान, पवन कुमार पूनिया और शाम सिंह. तो किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर चुनाव को लेकर? यहाँ पर 2 बूथ बनाए गए और अल्फाबेटिकली बांट दिए गए. अभी अभी एक ऑब्जर्वर आए हुए हैं, मनदीप मलिक जी, जो यहाँ हमारे बिल्कुल एकदम शांति की है. कोऑपरेशन है, सभी कोऑपरेशन है, कैंडिडेट्स की कोऑपरेशन है. हमारी जो टीम है आर ओ ए आर ओ वगैरह, वो बढ़िया टीम है जो सुचारू ढंग से है. आज की गतिविधियों में बस इतना ही. तब तक के लिए नमस्कार.